देखिए देश तो शर्मिंदा ऐसे ऐसे लोगों की हरकतों पे हुआ है ना, बिल्कुल है, कड़ी निंदा करते हैं, बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में करते हैं, ये बात सच है। ऐसे ऐसे लोगों की वजह से पूरे देश पे बात आ गई, लेकिन शुक्र है सोशल मीडिया का, उसकी खंगाली, जांच लिकाड़ी, नहीं तो ये किसानों के मंड पे मंड जाती बात। तो उन्होंने जो कहा ये वाली बात तो ठीक ही कही है मन की बात में, लेकिन थोड़ी सी मन की बात में और पहले से इनकी बात मन की बात समझने तो युद्ध ही नहीं ना आता। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक कॉल का फासला, एक कॉल का फासला, जब 12 दौर की वार्ता हो रही है भाई, वे 12 दौर की जो वार्ता हुई है वे भी तो हुई है क्या, वो मतलब डायरेक्ट जाके वो वार्ता हुई है, तो अब कॉल की, चलो ठीक है एक कॉल की बात है तो आप उन्हें कॉल कर लो या वे आपको कर लें, बस मेन बात है ये नहीं कि बात हम ही बड़े बन जावे या वे छोटे बन जावे, मेन बात यहाँ पे आके रुकती है कि समाधान होना चाहिए, आंदोलन सही दिशा में होकर समाप्त हो जावे। तो क्या लग रहा है कल की बात से, लग रहा है क्या कुछ प्रधानमंत्री आगे बात बढ़ाएंगे? देखिए उम्मीद तो करते हैं उनसे और बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अगर उनको पता है कि अब पहले ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से हो गया और हमें आतंकवादी और ये बता रहे हैं उनके लोग, सबसे पहले तो तुम उन्हें बर्खास्त करो बिल्कुल पार्टी से, क्योंकि दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरा थे, बुरे बुरे व्यक्ति दल में आप बढ़ाओगे तो पूरी पार्टी का नाम बदनाम होता, चाहे कोई भी वो पार्टी हो, ऐसे ऐसे व्यक्ति की वजह से उन्हें पहले से बर्खास्त करें, जिन्होंने ये बात कही है इन्हें खदेड़ो, आतंकवादी है ये है वो है, वे तिलक लगा रहे हैं जो विधायक है वे, ठीक है पहले तो उन्हें बर्खास्त करो। दूसरी बात, हम तो उम्मीद उनसे शुरू से ही कर रहे हैं, अगर वो हमारी उम्मीद या हमारी प्रार्थना सुन लेते तो ये 26 जनवरी वाला दिन नहीं आता, ठीक है। अगर किसी का मन था परेड करने का या परेड में शामिल होने का तो 10-20 आदमी वैसे ही चले जाते, टिकट विकट से भी लेकर जा मैं, पास वास से जा मैं, वैसे ही चले जाते, ये वाली बात नहीं होती। तो अब आने वाले कल में ऐसा कुछ ना हो, अनुरोध करते हैं भैया सभी से, ध्यान से रहना बहुत और समझदारी से रहना, और किसी ऐसे असामाजिक तत्व को अपने बीच में बढ़ने मत देना, क्योंकि आगे भी आंदोलन चल रहा, पता नहीं मोदी जी से कब तक चलवाना चाह रहे हैं, हम तो अनुरोध कर रहे हैं इस आंदोलन को समाप्ति की दिशा में लेकर जाओ, समाप्त जब होगा जब आप हमारी बातें मानेंगे, किसान नेताओं को मानेंगे उनकी बातें, एक बटन और एक सुई भी अगर बनती है ना देश में तो हर उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो उसका रेट खुद निर्धारित करे, लेकिन किसान को ही नहीं है, किसान तो बस ये करा एक MSP वो कर दो पक्की, ठीक है, हर व्यक्ति को अधिकार है, ये हुक्का से तुमने खरीदा यू भी बेचने वाले ने 100 रुपया में बेचा होगा, तुम्हारे कहने से 70 में ना दिया होगा, है ना अधिकार, मेन बात तो यही हो रही है, तो इस बात को मान ले, हर किसी को हक है अपनी बनाई हुई चीज का रेट निर्धारित करने का, लेकिन ये तो कह रहे तुम ही पक्की कर दो भाई, ये तो तुम पे इतना भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जो लोनी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, जो उनकी भाषा है, उन्होंने आतंकवादी आप लोगों को कहा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति तो ही देखिए बात नहीं बनने देते, ऐसे ऐसे व्यक्ति बात को खराब करते ना, सरकार के और किसानों के बीच में बातचीत हो रही, उन्होंने आके कूद का कर दिया ना, रायता फैला दियो, ठीक है, क्या नाम बताया आपने उनका? नंद किशोर गुर्जर। अच्छा उनका नाम नंद किशोर गुर्जर है, चलिए भली बात ही, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे व्यक्ति तो बात को खराब करना चाह रहे, बनने नहीं दे रहे, अब अनुरोध कर रहे हैं भैया सरकार से ऐसे ऐसे व्यक्ति ना निकालो आप, इन फ्यूचर ये तुम्हें ज्यादा रूप दूसरा वाला देने वाले हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि खतरनाक हो सकते हैं ना, अब देखिए काम उन्होंने किया बदनाम पूरे पूरे होगी, एक मछली साले तालाब को गंदा करती है, तो ऐसे ऐसे लोगों को निकालना चाहिए ना, अभी तक वैसे बर्खास्त हो जाने चाहिए थे, निलंबित होने चाहिए थे, किसी पार्टी को उन्हें नहीं लेना चाहिए, पता नहीं कौन से दल में जाकर कौन से दल की बदनामी कर दे, कौन से दल को वे खराब कर दे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि नंद किशोर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा आंदोलन जिंदा कर दिया उस आदमी ने। अच्छा कैसे जिंदा कर दिया? सांस ले फिर रहा हूँ भैया, भैया वे जो विधायक जी सांस ले रहे अपनी जेब में, कहा जा रहा है कि 28 तारीख को रात को वो नहीं आते। अच्छा ये पूरी घटना नहीं घटती ना, टिकैत साहब रोते। अच्छा अच्छा जो व्यक्ति हमें ये बात कहता हो आतंकवादी है इन्हें खदेड़ेंगे, क्या वो व्यक्ति दूसरे में सांस डालने का काम कर रहा? वो व्यक्ति का देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहा, वो व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक, वो व्यक्ति गुंडे पालने का काम कर रहे हैं, कह रहे ना हमारे लोग भी हैं इनको खदेड़ने में, वो व्यक्ति अब आप देख लो सांस देने का काम कर रहे हैं या हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं या गुंडे पालने की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। लेकिन जो 28 तारीख की रात को जो प्रशासन की पूरी तैयारी थी, क्या आपको भी लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाए? देखिए उम्मीद थी सिर्फ उस ऊपर वाले से कि हे भगवान अगर हमने गलत किया हो तो तू हमें बिल्कुल जानते मरवा दिए, ठीक, अगर हम सच के लिए लड़े हुए हैं तो
कोई रास्ता दे हमें, निर्धारित कर, मजबूती पैदा कर इस आंदोलन में, वही किया। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात का भी तो उल्लंघन करा उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी किसान आंदोलन कर सकता है, उसके बाद भी पुलिस उनको अरेस्ट करने आई। किसके कहने पे पुलिस अरेस्ट करने आई? इस बात पे भी तो उन पे मुकदमा बना है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने अवहेलना करी है। क्या मुकदमा बना है उन पे भैया? मुझे तो खैर ना पता क्या मुकदमा बना है, बता दियो जरा, जो जो लोग अरेस्ट करने आए थे और जिन्होंने भेजे थे स्पेशल, वो क्योंकि शुरू से ही दबाव बनाते हैं नेता पुलिस पे, पुलिस मजबूर हो जाती है। लेकिन अब ये आंदोलन फिर दोबारा चिंगारी की तरह पनप गया है पूरे देश में, जन आंदोलन है, जन आंदोलन हो गया। तो ये जो भावना थी प्यार मोहब्बत किसानों का था, उसने एक रुख ले लिया, आंसुओं का जन सैलाब सच्चाई का आया ना, क्योंकि सभी सच्ची मेहनत से लगन से बुजुर्ग यहाँ पे लगे हुए थे, तो इसलिए आंदोलन को तो रुख और मजबूती होनी ही थी। इन लोगों की यू हरकत जो करी है ना इन्होंने, इनसे कोई डरा नहीं है। देखिए थोड़ी देर के लिए दिक्कत तो हो ही गई थी, क्योंकि 26 जनवरी वाले लोग अपने घर चले गए थे, कुछ बाकी टाइम से यहाँ रुके हुए थे, वो भी सोच रहे थे एक आध दिन को हम भी घर चले जाएं, तो इन्होंने उस चीज़ को एकदम वो कर लिया, इनको नहीं पता था ऐसे हो जाएगा। और दूसरी बात, आंदोलन हमारा मजबूत हुआ है इनकी ये बकवास हरकत करने से। लेकिन मैडम एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, क्योंकि आपने तो एक तरफ पर रोड बंद किया उस पे आप, लेकिन पुलिस ने दोनों तरफ की रोड बंद, भैया यू ही तो जानना चाह रहे रोड काहे को बंद कर दी। अब रोड आने जाने में इधर की दिक्कत आप लोग कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो, जनता को आप परेशान कर रहे हो, बदनाम किसान ने कर रहे हो, क्यों कर दी भैया वो रोड बंद? कारण का होगा? अभी मैं ऊपर साई वो वाली रोड बंद कर रहा कि आने नहीं दे रहे, पता नहीं क्या। एक रोड महीने से तो खुला हुआ था वो रोड, पता शायद इसलिए नहीं ताकि ज्यादा पहुंच जावे हम, लेकिन पानी और हवा अपना रास्ता खुद बना ले, कंगे ना कंगे आ रहे हैं यहाँ आ रहे, खामों का पब्लिक को परेशान आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। ये जनता की नजर में किसानों की बुरी छवि पैदा करने की कोशिश की। यस, ये वाली बात बिल्कुल आपने सही कही, आप तो आज जवाब दे रहे हो, सवाल कम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात आपने कही, ताकि जनता हमसे नाराज हो जावे। लेकिन जनता होने की नाराज नहीं, क्योंकि उन्हें पता ये रोड किसने रोक दिया है, किसानों ने रोका है या बैरिकेडेड पुलिस ने लगाए हैं। तो मेरे जितने भी भारत की जनता, आंदोलन से अगर कोई भी व्यक्ति परेशान है, मैं पूनम पंडित भैया सभी से माफी मांगती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सहयोग करें। बॉर्डर तो कुछ स्थानीय निवासी पहुंच गए वहां, तो वे स्थानीय निवासी कहां भैया, जब हम दिल्ली में गए हमने यहां से प्रवेश करा, दिल्ली की जनता ने फूल बरसाए, पानी की भी व्यवस्था करी, स्थानीय निवासी नहीं है वे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहां आ गए हैं लेके, जो यहां लेके आ गए हैं ना आदमी ने, ऐसे ऐसे लोग जो यहां आए हैं, जिस दिन गिरफ्तारी टिकैत साहब की होने वाली थी उस दिन लेके आए ना वे, कौन थे ऐसे ऐसे लोग हैं वे वो लोग नहीं है, है? कैसे निपटाएगा? निपटा जाएगा, निमटना रहे अब, आपको नहीं पता कैसे निमट रहे। एक बॉर्डर पे हो गया ना बवाल, देखिए सिंधु बॉर्डर पे ठीक है सिस्टम अब, अब ठीक है ना, क्योंकि सभी से अनुरोध है, सभी संगठनों से, देश के किसान युवा महिलाओं से एकत्रित रहे, बिखरे नहीं, क्योंकि एकता में बल होता है। चौथी क्लास में एक चैप्टर आता था एकता में बल, तो एकता में बल है, आप सच्चाई के लिए है, और तो आपका बल बढ़ेगा दिन पे दिन, और ऐसे लोगों से ऐसे ही निपटा जाएगा, और मीडिया का समर्थन, सोशल मीडिया का मिलता रहे टाइम टाइम पे, तो बिल्कुल हाथ जोड़ के अनुरोध है सभी से मेरा, सोशल मीडिया जितने भी यूट्यूब चैनल जितने भी ये लगे हुए और बाकी जितने भी हैं, सच्ची तस्वीर दिखा रहे हैं आप लोग, ऐसे ही दिखाइए, क्योंकि पत्रकारिता का काम होता है सच कराना, ठीक, और गलत में तो और भी लोग और ही भते रहे, भैया तुम सच कर रहे हो, सच ही करते रहिए। होने लगी है पत्रकारों की जिन्होंने किसान आंदोलन को दिखाया। देखिए गिरफ्तारी हो रही है उनकी, किस बात पे हो रही है वो उन्होंने ट्वीट करा, सच्ची लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं उनकी काहे को ना कर रहे, जो यहाँ बवाल करना है उन्हें काहे को ना बर्खास्त कर रहे। वो पत्रकार महोदय मैं तो जानती भी नहीं, उनके नाम बताया एक पत्रकार भाई ने, पता नहीं क्यों कर दी भैया, काहे को कर दी, उन्होंने तो सच दिखाई, हकीकत दिखाई, खामखा कर रहे हो आप इस काम को। और मैंने पहले कही जो व्यक्ति सच दिखाएगा लाली तू भी गिरफ्तार होगी, ज्यादा सच दिखा रही, कही ना मैंने दो तीन अंजू, कही नहीं कही, अब सच दिखाना, जो भी व्यक्ति इनके उसमें सिस्टम में सच बोलता है सच दिखाता है उसकी आवाज को ये दबाते हैं, क्यों दबा रहे भैया, उन्हें भी पकड़ो ना जो यहाँ पे बवाल करके गए, उन्हें बर्खास्त करो अपनी पार्टी से, ये काम करो ना सही वाला। कल सुधीर चौधरी डीएनए में दिखा रहे थे कि राकेश टिकैत जी जो है उनके पीछे जनता नहीं है, और कौन है वो सुन लीजिए, हाँ। वो कह रहे थे कि वो इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, उनका एक ही काम है कि कैसे मीडिया पर रहा जाए, तो वो है आंदोलन, और आंदोलन का सहारा लेके वो यहाँ पड़े हैं, इसलिए उन्हें न्यूज में दिया। भैया एक बात बताओ आप, चुनाव जीतना मायने नहीं रखता, मायने रखता है जनता के दिल में बैठना, जनता के सच की आवाज को उठाना, सच के लिए सहयोग करना, आपकी तरह नहीं पत्रकार महोदय, आपको ये ऐसा आपकी लग रहा तरह है, नहीं तो किसानों की मांग पूरी कर दीजिए, नहीं लग रहा है, नहीं, नहीं, हाँ सरकार को अगर ऐसा लग रहा है तो किसानों की मांग पूरी कर दीजिए, अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो वो अपने घर चले जाएंगे,
क्यों बैठेंगे? देखिए आप मेरी बात सुनिए, सुधीर चौधरी साहब आपके बड़े इंटरव्यू देखे मैंने, स्क्रिप्ट वाले बहुत सारे देखे, ठीक है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशल आप डर रहे दिखो इस बात से कि टिकैत साहब के पीछे इतनी जनता है, इतना जनता जनार्दन है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं आपको खतरा हो रहा। कौन सा आपको उस वाली सीट से चुनाव लड़ना चौधरी साहब?